अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड के पास स्थित रामगंगा बिहार कॉलोनी में, जो कि मुरादाबाद का सबसे हॉट एरिया है, ऑन डिमांड है, जहां पर रहना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो प्राइम लोकेशन है, जैसे कि सोनकपुर स्टेडियम बहुत पास में, साईं मंदिर का बहुत पास का इलाका होने वाला है, तो इस इलाके में एक ऐसी आलिशान कोठी की तलाश में है जो कि 240 वर्ग मीटर में बनी हुई हो, खुले खुले बड़े बड़े कमरे हो, ढाई मंजिला हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद प्रकाश आर्य, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन बताया, बहुत प्राइम लोकेशन में एक आलिशान कोठी को आज हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा पार्किंग एरिया होने वाला है, देखेंगे काफी बड़ा एरिया है। यहाँ पे आपकी तीन कारें, बड़ी कारें आराम से पार्क हो सकती हैं, और देखेंगे ये ढाई मंजिले कोठी है। और जब शुरुआत करते हैं हम, ये हमारा मेन गेट है और दो एंट्री गेट होने वाले हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल इधर दिया गया है, और इसके अलावा क्योंकि बड़ी कोठी है उस हिसाब से आपके जो कंट्रोल के लिए, बैकअप के लिए जो इक्विपमेंट है, जैसे बैटरी वगैरह, वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए पैनल वगैरह यहाँ पे यूज किए हुए हैं। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे देखेंगे आपको एक आयरन का सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंट्री में लुक और मजबूती का बहुत ध्यान रखा गया है। ग्लास का डोर है ये, स्लाइडिंग डोर। इसके अलावा अंदर आपका आयरन का मजबूत एक चैनल लगा हुआ है, ताकि आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है। जैसे हम अंदर आते हैं, क्योंकि ये बहुत लोकेशन बहुत प्राइम हिसाब से, अगर आप कमर्शियल यूज के हिसाब से भी चलाए तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑफिस मिल रहा है। जब हम अंदर आते हैं तो एक आपका रिसेप्शनिस्ट बोले या आपका एक छोटा ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखेंगे। और इस छोटे से ऑफिस के बराबर हम देखेंगे ऑफिस यूज के लिए एक टॉयलेट दिया हुआ है। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो यहां से जब एंट्री होंगे, और देखिए ये कोठी का जो एंट्री है, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा डबल डोर यूज किया गया है वुडन वर्क के साथ, आपका मैच डोर, उसके साथ साथ हार्ड वुडन डोर यूज किया गया है। तो ये अब हम आ गए इस कोठी के ग्राउंड फ्लोर के आपका लॉबी एरिया में आ गए। शॉर्ट इंट्रो बता दूं तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग रूम, दो बड़े बेडरूम और एक किचन होने वाला है, जिसका हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। और मेरा ख्याल है शुरुआत हम किचन से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखेंगे हम, ये हम एंटर हो गए किचन में। किचन का स्पेस देख लीजिए, काफी बड़ा स्पेस होने वाला है। स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स वगैरह सब लगी हुई हैं। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है, इस पर ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है, और आपका आरओ वगैरह के लिए स्पेस है, सिंक वगैरह अवेलेबल है। तो किचन के बाद अब हम आते हैं, ये आपका ड्राइंग रूम होने वाला है। ओवरऑल इस पूरे मकान का स्टैंडर्ड बता दूं मैं तो, आपको जो फ्लोर है आपका, यहाँ पे स्टोन वर्क हो रखा है, पूरा पत्थर लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा जो वॉल्स पे पेंट है और जो आपका सीलिंग है, वो भी आपका पीओपी वर्क के साथ होने वाली है। तो अब हम आते हैं, ये आपका ड्राइंग रूम होने वाला है। इसका जो सेपरेशन है वो आपका कर्टन यूज करके बनाया गया है, बहुत अच्छा लुक दिया हुआ है वॉल्स पे, और एरिया भी काफी बड़ा होने वाला है। हम देखेंगे जो ये टाइल्स हैं, जो इसका लुक है वो बहुत प्यारा होने वाला है। इसके अलावा इस ड्राइंग रूम की जो एंट्री है वो देखेंगे तो वुडन डोर, आपका विंडो वगैरह सब दिया हुआ है, तो वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जो एरिया है आपका, ये कॉमन बाथरूम के लिए ये स्पेस दिया हुआ है, हालांकि अभी ये यूज नहीं हो रहा है।
और इस कॉमन बाथरूम के बाद हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दो बड़े बिग साइज के बेडरूम मिलने वाले हैं जिसको हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं अभी बेडरूम नंबर वन में, तो देखेंगे काफी बड़ा बेडरूम है, किंग साइज का ये बेडरूम होने वाला है और चारों तरफ से खुला हुआ वेंटिलेशन के लिए, दाई तरफ बाई तरफ दोनों तरफ विंडो वगैरह दिए, डोर वगैरह यूज किए गए हैं। और जब हम अंदर आते हैं इस बेडरूम से कनेक्टेड ही आपको ये आपका ड्रेसिंग रूम होने वाला है, देखेंगे स्टोरेज के लिए या वार्डरोब ऑलरेडी यूज किया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वुडन वर्क के साथ ये आपका ड्रेसिंग रूम होने वाला है। इसके अलावा और इस ड्रेसिंग रूम के बाद ये आ गया आपका एक वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, जिसमें हम देखेंगे तो टैब वगैरह शॉवर वगैरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस बेडरूम के कनेक्टेड देखेंगे, क्योंकि दो बेडरूम है, इन दोनों बेडरूमों के बीच में ये आपका वॉशिंग एरिया है। पर्पज इसका ये हुआ कि आपका वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए, दोनों बेडरूम के बीच में ये एरिया दिया है ताकि विंडो वगैरह खुल सके। और इसके अलावा देखेंगे टैब वगैरह है, वॉशिंग एरिया ये होने वाला है। और जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो डे टाइम में आपकी सनलाइट और एरेशन के ध्यान में रखते हुए ये एरिया छोड़ा गया है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर अभी थोड़ा सा ढका हुआ है ये। और ग्राउंड फ्लोर के अब चलते हैं हम बेडरूम नंबर टू में, तो ये आ गए हम बेडरूम नंबर टू में। अच्छी चीज ये है कि 240 मीटर में बना होने के नाते यहाँ पे जो कमरे हैं काफी बिग साइज के होने वाले हैं, काफी स्पेसियस ये पूरा आपका बेडरूम है, जिसमें आप किंग साइज का बेड यूज करने के बाद भी काफी स्पेस बचने वाला है। और इसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो सेम आपका बेडरूम के अटैच आपका ये ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्टोरेज के लिए आपका वार्डरोब लगा हुआ। और इस तरफ आते हैं तो जैसे इस बेडरूम में आते हैं तो हम देखेंगे कि वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है, जिसमें शॉवर वॉवर अवेलेबल है, इसके अलावा सिंक वगैरह सब कुछ अवेलेबल है ये। तो ये ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, उसके लिए आपको जीना दिया हुआ है, तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर पे आने पे अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो बड़े बेडरूम सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह होने वाले हैं, इसके अलावा एक ड्राइंग रूम प्लस बच्चों के लिए एक स्टडी रूम है। तो शुरुआत हम जो फर्स्ट फ्लोर की है हम शुरुआत करेंगे बच्चों के जो स्टडी रूम है वहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ये देखेंगे हम जो आपका स्टडी रूम है, ग्लासेस यूज किए गए हैं सेपरेशन के लिए, बहुत रॉयल लुक आ रहा है। इसके बाद जब अंदर आते हैं तो ये बच्चों का स्टडी रूम है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हालांकि ड्यूल पर्पज हो सकता है इसका, इसका एज ए किचन भी यूज किया जा सकता है। और देखेंगे स्टोरेज के लिए आपका वार्डरोब वगैरह दिया हुआ है, कैबिनेट्स वगैरह पूरी दी हुई है, तो उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस जो आपका स्टडी रूम के बाद अब हम शुरुआत करते हैं, इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक आपको डाइनिंग रूम मिलने वाला है, ये देखेंगे सेम
नीचे का जो स्टैंडर्ड है सेम मेंटेन किया गया है। यहाँ पे फ्लोर पे आपका पूरा स्टोन वर्क हो रखा है, वॉल्स पे जो पेंट है वो बहुत प्यारा है, और जब आप देखेंगे आप सीलिंग देखेंगे, और इसके साथ ही हम देखेंगे इधर आपका सेम कंबाइंड वॉशरूम होने वाला है, और इस डाइनिंग रूम से ही सटा हुआ देखेंगे तो ये हमारा बालकनी एरिया होने वाला है। देखिए ये आपका जो बालकनी एरिया है काफी स्पेशियस होने वाला है, और अच्छी चीज है कि इसके बराबर से एक जीना डायरेक्ट जा रहा है जो कि आपका सीधे बाहर रास्ता खुल रहा है इसका। और यहाँ से हम देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर से हम देख रहे हैं नीचे, तो ये हमारा जो एरिया है पूरा पार्किंग एरिया होने वाला है, काफी स्पेसेस है, एट ए टाइम यहाँ पे आपकी 3 कारें आराम से पार्क हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ की। और जब हम इस डाइनिंग रूम से निकलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह 2 बड़े बेडरूम होने वाले हैं, चलिए इनको भी हम जल्द से जल्द कवर करते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में, तो सेम काफी स्पेसियस होने वाला है ये। और इसके साथ ही जब हम आगे आते हैं तो ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका स्टोरेज के लिए वार्डरोब दिया गया है, और जो इसका लुक है टेक्सचर है वो बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ ही इधर जब हम आते हैं इस बेडरूम नंबर 1 के, तो यहाँ पे कंबाइंड वेस्टर्न स्टाइल का आपको टॉयलेट मिलने वाला है। और बेडरूम नंबर 1 के बाद अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर 2 में, तो देखेंगे ये आ गए हम बेडरूम नंबर 2 में। एसी की फिटिंग यहाँ पे होने वाली है, और स्पेस जो है काफी स्पेसियस होने वाला है। और इस रूम के बाद ही हम देखेंगे ये आपका ड्रेसिंग रूम होने वाला है, सेम आपका वार्डरोब यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा एक वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम यहाँ अवेलेबल है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो फर्स्ट फ्लोर से आपका जो डाइनिंग रूम से जो बालकनी एरिया है वो सेम एंट्री आपकी यहां से भी आपका डोर दिया गया है जो कि आपका बाहर बालकनी में एक्सप्लोर हो रहा है। और इस आलीशान कोठे की एक अच्छी चीज यह है कि आप देखेंगे एक सुंदर डोम आप ऊपर देख पाएंगे,
जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। और जैसे हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो हम देखेंगे इस जीने के अलावा यहाँ पे एक सेम बेडरूम दिया गया है। ये आपको एज ए गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर इतनी बड़ी कोठी है तो यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, तो उनके लिए भी सेपरेट रूम आप यूज कर सकते हैं सर्वेंट रूम के लिए, क्योंकि इसके साथ ही अटैच आपको एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम इधर दिया गया है। और इससे हम एंट्री करते हैं आपका, ये आपका रूफ का ओपन एरिया होने वाला है। और देखेंगे यहाँ से, मैं आपको यहाँ से कनेक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा, लोकेशन समझ में आएगी। ये आपका जो आपका ममटी और जो आपका सर्वेंट रूम का जो ऊपर का एरिया है जहाँ पे आपका टैंक वगैरह रखा हुआ है, वहां भी हम चलते हैं। पहले ये एरिया दिखा दूं, तो ये आपका ओपन एरिया होने वाला है। इसको भी चाहे तो आप सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब हम चलते हैं इसके ऊपर भी। और यहाँ छत पे आने का मेन मकसद ये था, यहां से थोड़ा सा इसके कनेक्टिविटी का आइडिया दे दूं। तो ये आपका इसके आपका जो साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे आपका सोनकपुर जो स्टेडियम है वो आपको बहुत नजदीक दिख रहा होगा। और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो जो साईं मंदिर है उसके बिल्कुल बराबर का एरिया होने वाला है। तो ये इसकी लोकेशन की कनेक्टिविटी हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसी कोई हम प्रॉपर्टी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके हाथ से कोई अच्छी डील नहीं निकलेगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि जैसे मैंने कोठी ये कवर कर रहा हूँ, ऐसे आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमारी बदल दे सकते हैं। करना सिर्फ यह है कि मेरे को आप व्हाट्सएप पे अपने डिटेल दे दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अगर यूट्यूब सर्च बार में टाइप करते हैं प्रॉपर्टी इन मुरादाबाद तो हमारे वीडियो ही रैंक करते हैं। तो इस आलिशान कोठी के रेट बताने से पहले मैं पूरी इस प्रॉपर्टी को समराइज कर दूँ। ये आपका 240 मीटर में बनी हुई एक आलिशान कोठी है जो कि 2.5 मंजिली है। आपका पार्किंग का सफिशेंट स्पेस होने वाला है। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है, सोनकपुर स्टेडियम और जो आपका साईं मंदिर का जो इलाका है उसका बहुत क्लोज का ये इलाका होने वाला है। कमर्शियल यूज भी किया जा सकता है इसका, रेजिडेंशियल पर्पस तो है ही है। ग्राउंड फ्लोर की हम बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको दो बड़े बिग साइज के किंग साइज के आपको बेडरूम मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक डाइनिंग रूम है, इसके अलावा बहुत अच्छा पार्किंग एरिया है, इसके अलावा लॉबी एरिया काफी बड़ा है और किचन है। और जो दोनों बेडरूम है उनके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलने वाले हैं वेस्टर्न स्टाइल के रॉयल लुक के साथ। इसी प्रकार फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे दो बड़े बेडरूम सेम रॉयल लुक के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम वगैरह मिलेंगे और एक ड्राइंग रूम है। और इसके अलावा इसमें एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों के लिए सेपरेट स्टडी रूम दिया गया है। और अगर हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा रूम मिला हुआ है उसके साथ अटैच बाथरूम वगैरह, बाकी आपका ओपन एरिया होने वाला है। तो ये होगी पूरी प्रॉपर्टी की समरी। ओवरऑल मैं इस प्रॉपर्टी को समराइज करूंगा तो मेन चीज़ है कि इसके जो लुक है और जो कनेक्टिविटी है, रॉयल लुक है, देखेंगे जहाँ हम खड़े हुए वहाँ पर भी आपको एक अलग सा लुक आ रहा होगा, वो अच्छा है और कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर हम इस आलिशान कोठी की अगर रेट की बात करेंगे तो इसकी जो रेट है, जो कॉस्ट है इसकी, वो है 2.5 CR, मतलब ये जो कोठी है आपको, ये आलिशान कोठी आपको 2,50,00,000 में पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।